गए इधर शोरूम, बट वो पता नहीं कहाँ गए जो यहाँ पे है तौकीर भाई। अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितने सारे बाइक्स है, बट हमारी बाइक नीचे है। हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग? होप सारे अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं बाइक लाने जा रहा हूँ और बाइक का नंबर प्लेट भी एक दो दिन में पहुँचने वाला है, बट एक्चुअली नंबर प्लेट नहीं पहुँचा तो इस वजह से व्लॉग में मैंने नहीं डाला। तो आज उसने कॉल किया कि बोला आ जाओ, आपका नंबर प्लेट भी पहुँचा है, शायद नहीं भी पहुँचा होगा, बट उन्होंने बोला कि आप बाइक ले जाओ, आपका जो नंबर है वो जनरेट हो गया है, एक दो दिन में फिर पहुँच। इस वाले व्लॉग में ज़्यादा नहीं लिखाऊंगा कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो आपको लास्ट व्लॉग में बोला ही था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके पास बाइक लेने जा रहा हूँ। बट हाँ, जब मैं बाइक लाऊंगा वहाँ से तो मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या करना है उसमें और क्या नहीं करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस फाइनली हम शोरूम पहुँच गए हैं, तो ये देख सकते हो हम पहुँच गए शोरूम और ये रहा तौकीर भाई। गाइस हम पहुँच गए इधर शोरूम, बट वो पता नहीं कहाँ गए जो यहाँ पे है तौकीर भाई। अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे कितने सारे बाइक्स है, बट हमारी बाइक नीचे है, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि हमारी बाइक नीचे है। तो मैं दिखाता हूँ जब बाइक हम निकालेंगे और बाइक में क्या। गाइस हम जा रहे हैं अच्छा बल, क्योंकि वहीं से हमें यहाँ बाइक उठानी है, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने बाइक देखी थी और जो बुक भी हो गई थी एक्चुअली वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उन्होंने बोला कि आप दूसरी बाइक ले जाओ, ये बाइक छोड़ दो यहीं पे। तो अब हमें दूसरे शोरूम पे जाना है, तो चलो चलते हैं, मैं आपको वहीं ले जाऊंगा। इतना अच्छा रोड है यहाँ से, बहुत अच्छा रोड है और बहुत अच्छी सीनरी भी है यहाँ से। अगर आप कभी विजिट करोगे अच्छा बल तो ये वाला रोड सबसे बेस्ट है, और इस वाले रोड पे कभी ट्रैफिक जैम भी नहीं लगता है, क्योंकि यह बहुत अच्छा रोड है यहाँ से। खासकर यहाँ से सीनरी बहुत अच्छी है, ये आप देख ही सकते हो। तो गाइज हम अच्छा बल पहुँच गए, जो अच्छा बल का मेन मार्केट है, बट यहाँ से हमें थोड़ा ऊपर जाना है, क्योंकि वहीं पे है एमएस मोटर्स जहाँ पे हमें जाना है। आप देख ही सकते होगे, क्योंकि ये वाला रास्ता कुकरना के लिए भी जाता है, जो टूरिस्ट प्लेस है, यहीं से हमें जाना है। बस दो चार किलोमीटर होंगे यहीं पे है, मैं आपको दिखाऊंगा वो जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि कहाँ से मैं बाइक ले रहा हूँ। अब यहाँ से यू टर्न लेना था, क्योंकि राइट साइड से वो शॉप है। चलो मैं आपको वो शॉप दिखाऊंगा पहले। ये वाली बाइक है, तो गाइस ये रही अपनी बाइक, जो आप देख ही सकते हो। देखो गाइस बाइक बाइक इंजन नंबर ले रहे हैं यहाँ पे, भैया बाइक इंजन नंबर ले रहे हैं। गाइस हम जाएंगे पहले फूड स्टेट करने के लिए, क्योंकि आधार कार्ड पैन कार्ड ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको फूड स्टेट कराना है पहले, तो उसके बाद ही बाइक छोड़ेंगे। चलो चलते हैं। ये देखो गाइस पहले बाइक का थोड़ा काम यही हो रहा है, पता नहीं कुछ एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड करता है, ये देख लीजिए। तो फाइनली गाइस हम अपने बाइक निकाली, अब हम सीधे घर जाएंगे यहाँ से, ये देख लो, क्योंकि बाइक में पेट्रोल बहुत कम है, पहले इसमें पेट्रोल डालेंगे। ये देखो, क्योंकि नई बाइक निकाली पहले हम पेट्रोल डालेंगे।
तो गाइस पेट्रोल डला के अब हम जाएंगे सीधे घर। अब मैं आपको सीधे घर पे मिलूंगा, वो क्या अगर आया आपको। तो गाइस फहीम भाई बाइक चला रहा है, इसने बोला मैं भी राइड करूंगा इसमें, तो मैंने इसको बाइक दी पहले, अब यही चलाएगा। ये देखो क्या मस्त लग रही है बाइक, बहुत अच्छी लग। पहले बहुत भूख लग गई, पहले कुछ खाएंगे यहाँ पे, तो उसके बाद सीधे गाड़ी चले जाएंगे। फाइनली हम घर पहुँच गए। घर वालों का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा खुश हो गए वो। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।